हिमाचल की सियासत में हमीरपुर लोकसभा सीट बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सांसद होने के चलते खासी हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से अनुराग ठाकुर चौथी बार चुनावी रण में है। अपने प्रचार अभियान के तहत बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता और वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट से बार बार तारीख लेकर राम मंदिर का मुद्दा लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर द्वारा बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए जाने का कारण पूछे जाने पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर नशों को बढ़ावा देकर खेलों को समाप्त किए जाने का आरोप लगाया है। मुझे लगता है देश को आगे ले जाने के लिए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काम किया है, उसको और गति देने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प पत्र बहुत कुछ कहता है कि समाज के हर वर्ग को सबका साथ सबका विकास करके आगे ले जाएंगे। किसानों की आय दुगनी होगी, पेंशन भी मिलेगी, समाज में और आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार करेगी। अनुराग जी, रामलाल ठाकुर का आज एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर जी बताएं कि उन्हें क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया। मुझे लगता है क्रिकेट को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहले ख़त्म किया, कांग्रेस पार्टी जो खेलों को ख़त्म और नशे को बढ़ावा देती है, उनसे पूछना चाहिए नशों को बढ़ावा क्यों दिया, खेलों को ख़त्म क्यों किया और हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क क्यों किया। रामलाल ठाकुर ने कहा है कि भाजपा जो है उन्होंने भगवान राम को अब पिछले दरवाजे से बाहर कर दिया है और धर्म के नाम का जो है राजनीति भाजपा कर रही है। कांग्रेस जैसी ओछी राजनीति कोई नहीं कर सकता। भगवान राम हमारे लिए आस्था की बात है। हमने लगातार राम मंदिर के पक्ष में बात कही है और मैं ये भी कह दूं, अगर राम मंदिर को रुकवाने का काम किसी ने किया है तो रामलाल जी को पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी जी के निर्देश पर तारीख पे तारीख कांग्रेस के नेताओं ने कोर्ट में ली है और राम मंदिर को रुकवाया है।